देखिए आप कितना खिला खिला ऐता बनकर तैयार हुआ है। हरी प्याज और बेसन से बना हुआ ऐता, हरी प्याज और बेसन की सूखी सब्जी कह सकते हैं आप इसे। 2-in-1 रेसिपी है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और सब्जी के जैसे भी खा सकते हैं। राइस के साथ बहुत टेस्टी लगता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज हम बनाएंगे हरी प्याज का ऐता। हरी प्याज का ऐता कहते हैं हमारे यहाँ इसे। हरी प्याज और बेसन से बनाया जाता है, बहुत कम मसालों के साथ बनकर तैयार हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमारे यहाँ की बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत बनाई जाती है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, सब्जी के जैसे भी खा सकते हैं। राइस के साथ खाया जाता है और ऐसे भी खाया जाता है ये। चाय के साथ आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय करिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है ये। सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं हरी प्याज का ऐता। हरी प्याज का ऐता बनाने के लिए देखिए हमने हरी प्याज ली है, अच्छी तरह से साफ करके पानी से धो लिया हमने इसे। साथ में हमने एक प्याज भी ली है। अगर आपके पास कंद वाली हरी प्याज है तो आप उसके कंद को कट करके ले लीजिए, कंद भी कट कर लीजिए पत्तियों के साथ में। हमारे पास सिर्फ पत्तियाँ थी इसलिए हमने इस तरह से एक प्याज भी ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसे पतला पतला सा कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पतला पतला सा कट कर लिया हमने। साथ में हमने एक बड़े साइज के टमाटर को भी कट करके ले लिया है। थोड़ी मेथी भाजी कट करके ले ली है, 3 हरी मिर्च इसे भी कट कर लिया है, और ये हमने हरी लहसुन की पत्तियों को कट कर लिया है। अगर आपके पास हरी लहसुन नहीं है तो आप लहसुन की कलियों को पतला पतला सा कट करके ले लीजिए। तो चलिए अब ऐता बनाते हैं। देखिए यहाँ हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे ऑयल। ऐता में ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है। देखिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा चटक चुका है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, साथ ही में डालेंगे ये जो हमने हरी मिर्च कट करके रखी है, मिला लेंगे। और प्याज और हरी मिर्च को थोड़ी देर पकाना है हमें। प्याज थोड़े पक जाए, थोड़ा इनका कलर चेंज हो जाए तब तक पकाएंगे। देखिए प्याज थोड़े पक चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया है, हल्के ब्राउन हो चुके हैं ये। तो अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने मेथी कट करके रखी है, इसे डाल लेंगे। साथ ही में डालेंगे हरी लहसुन की पत्तियाँ कट करके रखी थी इन्हें। और अब हम इसमें डाल लेंगे ये जो हमने हरी प्याज कट करके रखी है, इसे डाल लेते हैं। मिलाकर सारी चीज़ों को पका लेंगे। अब लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है सारी चीज़ों को। देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर पकते हुए। सारी चीज़ें तेल में अच्छी तरह से पक चुकी है तो अब हम इनमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा तीखा नहीं है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हमने। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है, आप रेडीमेड गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मिला लेते हैं सारी चीज़ों को, सारे मसाले अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए मिला लिया सारे मसालों को, तो अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने टमाटर कट करके रखे इन्हें डाल लेंगे। सारी चीज़ों को टमाटर के साथ मिलाकर पका लेना है, लगभग 1.5 से 2 मिनट पका लेंगे। मिला लेते हैं और इसे पकने देते हैं। देखिए टमाटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाया हमने इसे, टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से पक चुके हैं ये। तो अब हम इसमें डालेंगे ये हमने बेसन लिया है, 1 कटोरी बेसन लिया है, इसे डाल लेते हैं। साथ ही में हमने लिया है 1/2 कटोरी से भी कम है चावल का आटा लिया है, इसे डाल लेंगे। चावल का आटा डालने से ऐता बहुत ही खिला खिला बनता है, चिपचिपा नहीं बनता। मिला लेंगे सारी चीज़ों को, बेसन को, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप इसे प्याज के पत्तों की सूखी सब्जी भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ इसे ऐता कहते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगता है ये, और ये इसी तरह से सूखा सूखा सा बनाया जाता है, गीला नहीं बनाया जाता। देखिए मिला लिया हमने सारी चीज़ों को, बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। बेसन और चावल का आटा डाला था, डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लिया हमने। तो अब हम इसमें थोड़े थोड़े से पानी के छींटे लगाएंगे, इस तरह से। हमें पानी डालना नहीं है, बस इस तरह से थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह से छींटे लगाना है, क्योंकि हमें इसे गीला बनाना नहीं है, सूखा बनता है ये। तो बस इस तरह से हल्का सा पानी के छींटे लगाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक सके। मिला लेते हैं अब इसे, पानी के छींटे लगाने के बाद इस तरह से मिला लेते हैं। देखिए मिला लिया, तो अब हम इसे ढक देंगे, इस तरह से ढक देते हैं। और ढक कर हमें 3 से 4 मिनट इसे पकाना है लो फ्लेम पर। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो ये तली में चिपक जाएगा। तो इसे पकने देते हैं 3 से 4 मिनट तक। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, ढक्कन हटाते हैं, मिला लेते हैं।
तो ये लीजिए हमारा हरी प्याज वाला आयता बनकर तैयार है। झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसे बनने में। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, मिला लेते हैं। देखिए कितना अच्छा आयता बनकर तैयार हुआ है, देखिए कितना सूखा सूखा सा खिला खिला सा आयता बना है। इसी तरह से बनता है ये, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो एक बार मेरे तरीके से हरी प्याज और बेसन के आयते की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। हमारे यहाँ की बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत बनाई जाती है, तो एक बार जरूर बनाकर देखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते एक नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।